और उत्तराखंड परिवहन विभाग की तरफ से आपको बता दें कि इन बसों में ऑल वेदर लाइटें लगाई जाएंगी। जल्द ही यूटीसी ऑल वेदर लाइटों पर काम शुरू किया जाएगा। रोज आईएसबीटी के 380 बसों का संचालन यहां से होता है। कई बार देखा जाता है कि कोहरे के चलते हादसे होते हैं, जिसके मद्देनजर ये बड़ा फैसला लिया गया है। यूटीसी की बसों में ऑल वेदर लाइटें लगाई जाएंगी ताकि जो विजिबिलिटी की जो समस्या आमतौर पर देखने को मिलती है जब सर्दियों के वक्त में, उस दिक्कत से निपटा जा सके। तो प्रदेश की रोडवेज बसों में ऑल वेदर लाइटें लगाई जाएंगी और साथ ही साथ इसमें कुछ और तकनीकों को भी जोड़ने की कोशिश की जाएगी। अब ये माना जा रहा है कि कोहरे में भी सुरक्षित होगा रोडवेज बसों का सफर। तो कोहरे के चलते कई बार हादसे होते हैं, लोगों को देर भी होती है। विनय हमारे साथ मौजूद है। विनय, आप कोहरे में भी सुरक्षित होगा रोडवेज बसों का सफर? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि जो उत्तराखंड परिवहन निगम है उन्होंने एक नई कवायद जो है वो शुरू की है, जिससे कि जो सर्दियों में जिस तरह के हादसे होते हैं, हादसों में जो है कहीं ना कहीं लोगों को काफी बसों की भी होती है, उनको जो है बसें नहीं मिल पाती, तो उसको लेकर जो है एक अहम कदम जो है वो परिवहन विभाग ने यहाँ पे उठाया है। और इसमें जो ऑल वेदर लाइटें हैं वो लाइटें लगाने का यहाँ पर निर्णय ले लिया गया है। और जितनी भी उत्तराखंड प्रदेश की जो बसें हैं उनमें लगभग जो लाइटें हैं वो जल्द से जल्द जो है लगाई जाएंगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया विनय जानकारी के लिए। तो कोहरे के चलते होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के मकसद से ये लाइटें लगाई जाएंगी यूटीसी की बसों में। आईएसबीटी से बता दें कि प्रतिदिन 380 बसों का संचालन होता है।